कौशाम्बी में सीओ कार्यालय में 1,60,00,000 का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले का खुलासा एनएचएम की कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की जांच रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि ई टेंडर, टेंडर और कोटेशन प्रक्रिया में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इतना ही नहीं, चहेते फार्मों के माध्यम द्वारा बाजार से महंगे दामों पर सामानों की खरीदारी की गई। साथ ही वाहनों को अधिकृत करने में भी मानक को दरकिनार रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्देशक अपर्णा उपाध्याय को सौंपी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार 1,60,00,000 का घोटाला हुआ है। कई सालों से बंद पड़ी मैसर्स शिवम एंटरप्राइजेज का नवीनीकरण करने के बाद इन लोगों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी की दर को दरकिनार कर कम मजदूरी दी जा रही थी। डीएम सुजीत कुमार ने घोटाले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। टीम में शामिल एडीएम के अलावा अन्य अफसर घोटाले की जांच कर रहे हैं। कि शासन में एमडी एनआरएचएम के द्वारा एक प्रकरण शासन यहाँ अभी जिले को भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो पिछले साल का सीएमओ कार्यालय का जो ऑडिट किया गया था उसमें कई कमियां पाई गई हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच कराएँ। जो मुख्य रूप से शिकायतें आई हैं उसमें है कि सर्विस प्रोवाइडर को बिना टेंडर के सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है। जब ऑडिट की टीम यहाँ पे आई तो उनको कई सारे कागजात दिखाए नहीं गए हैं। इस प्रकार के करीब विभिन्न बिंदुओं पे शिकायतें आई हैं और उस संबंध में मेरे द्वारा अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर और जिला स्तरीय अधिकारी हैं। तीन लोगों की कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द सभी कागजों का सही से अवलोकन करते हुए जो एक विस्तृत इसकी रिपोर्ट है वो मुझे सबमिट करेंगे और उस रिपोर्ट को देखने के उपरांत वो शासन को अग्रसारित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सीएमओ को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि जांच कमेटी के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो वो उनको अवश्य उपलब्ध करा दिए जाएं। फिलहाल डीएम ने त्रिसदस्यीय टीम गठित की है और टीम को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सभी कागजों की जाँच कर रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार होने के बाद शासन को भेजी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।